करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है गजरेला। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो जो इन्ग्रीडियंट्स यूज होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 1 किलो मैंने गाजरे ले लिए, कैरेट, 1/2 बाउल मैंने चावल लिए, इनको मैंने भिगो के रख दिया था, 1 कप मैंने चीनी ली है, 250 ग्राम मैंने खोया ले लिए, 3 चम्मच मैंने खुश्क दूध ले लिए, 2 चम्मच मैंने देसी घी के ले लिए और थोड़े से मैंने बादाम ले लिए और पिस्ता ले लिए और थोड़े से मैंने पीनट ले लिए, मूँगफली, 2 लीटर मैंने दूध ले लिए। हमने पैन में रख लिए हैं अपनी गाजरें और अब हम इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद हम इसको दम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि थोड़ी सी हमारी जो गाजरें हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद हम इसका दम हटाएंगे। इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें हम साथ ही अब घी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। घी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया था और अब हम इसमें चावल डाल देंगे। इसको हम मिक्स करेंगे। डालने के बाद हम इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 5 मिनट दम पे लगाने के बाद इसको हम दोबारा से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। साथ ही इसमें मैं खुश्क दूध डाल दूंगी और खुश्क दूध डालने के बाद इसको हम दोबारा से सही मिक्स करेंगे। हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। साथ ही हम मूंगफली डाल देंगे, बादाम डाल देंगे और पिस्ता। सब चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे। चीज़ें डालने के बाद इसको हम दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, हमारे बॉयल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अब हम अपना खोया डाल देंगे। खोया डालने के बाद हम इसको दोबारा से सही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा गजरेला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, हमने अपने गजरेले को कर लिया है डिश आउट और अब हम इसको गार्निशिंग करेंगे। हमने बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लिया और अब हम इसके ऊपर खोया डालेंगे। जी व्यूअर्स, हमारा गजरेला हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you for watching my video.